आज हम लोग जेनेटिक्स का एक और चैप्टर कवर करेंगे। स्क्रीन पे उसका नाम आप दिखाई दे रहा है, आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। मेरी आवाज सबको साफ सुनाई दे रही है, कमेंट बॉक्स में आके लिखिए। स्क्रीन पे सबको साफ दिखाई दे रहा है, सबको साफ साफ सुनाई दे रहा है, स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है। सरिता, जूली, सभी लोग बताएं जिससे हम क्लास जल्दी शुरू कर सकें। जल्दी जुड़िए। ठीक है, बताइए देख के कि स्क्रीन पे कौन सा चैप्टर डिस्प्ले हो रहा है। कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सर आपकी पिक नहीं है। हाँ बेटा, हमारी पिक इसलिए नहीं है, कुछ चीजें हम स्लाइड में थोड़ा ठीक से एडजस्ट नहीं हुई है, जो हम प्रिंट किए हैं वो हमारे पिक से छुप जा रहा है, इसलिए हम ही हट गए जिससे वो आपको दिखाई दे सके। ठीक है, वो कोई वैल्यू नहीं है, हम दिखे ना दिखे आपको हमारी आवाज सुनाई देनी चाहिए। आपको हमारी आवाज साफ जा रही है तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं। ये देखिए, पहले तो जानिए कि ये सेक्स जो लिंक्ड इनहेरिटेंस है उससे संबंधित जीन होंगे कहाँ। हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं कि जीन कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम पे। ठीक, तो वे क्रोमोसोम जो सेक्स के निर्धारण के लिए जिम्मेदार हैं उनको हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, और वह जीन या वह गुण जिससे संबंधित जीन इस सेक्स क्रोमोजोम पे पाया जाएगा वो एक साथ इनहेरिट होगा माता पिता संतान में। इसलिए उन पे यानी एक्स या वाई क्रोमोजोम पे पाए जाने वाले जो जीन होंगे वही जीन सेक्स लिंक्ड की कैटेगरी में आएंगे। यहां हमने लिख रखा है ह्यूमन का कैरियोटाइप। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैरियोटाइप क्या होता है? लेंथ के घटते हुए क्रम में किसी भी जीव के क्रोमोजोम का अरेंजमेंट यानी व्यवस्था करना कैरियोटाइप कहलाता है। अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोजोम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी जीव के क्रोमोजोम का घटते हुए लंबाई के क्रम में उनको व्यवस्थित करके पिक्चर के द्वारा दिखाएं तो इस बात को हम कैरियोटाइप कहते हैं। ह्यूमन का दिखाएं तो ह्यूमन कैरियोटाइप कहते हैं। समझ रहे हैं? ह्यूमन का यदि यही क्रोमोजोम दिखाएं तो ह्यूमन कैरियोटाइप। अब देखिए पिक्चर्स ऑफ ह्यूमन क्रोमोजोम्स, इसमें से 22 जो हैं ऑटोसोम्स हैं पेयर में और 2 सेक्स क्रोमोजोम है। तो 22 पेयर में होंगे तो 22 × 2 = 44 और 2 = 46, यानी टोटल ये संख्या में 44 + 2 = 46 होंगे। अब यदि कोई मेल है तो उसमें ये 44 होगा और
और दो जो सेक्स क्रोमोजोम है उनके नाम है एक्स एंड वाई। यदि कोई फीमेल है तो उसमें भी 44 ऑटोसोम्स होंगे, लेकिन उसके सेक्स क्रोमोजोम पेयर में होंगे और उसमें वाई नहीं होता है, सिर्फ एक्स यानी डबल एक्स। अब यहां देखिए, यदि मेल में कोई कैरेक्टर ऐसा है जो एक्स क्रोमोजोम पे है या वाई क्रोमोजोम, दोनों में से किसी पे, तो चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, वो एक्सप्रेस कर जाएगा, क्योंकि उसका दूसरा फॉर्म इस ऑर्गेनिज्म में यानी उस मेल में उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन फीमेल के केस में देखें तो समझ में आता है कि यहाँ दोनों एक्स हैं, होमोलोगस में हैं, तो यहाँ पर जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस कर जाएगा, जो रिसेसिव होगा वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक। अब यहाँ पे जो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रोमोजोम लगाए गए हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये देखो बेटा, आपको दिख रहा होगा कैरियोटाइप में जो पिक्चर है वो लेंथ में घटती जा रही है, और सबसे छोटा कौन हो गया, 22 वाला, इसके बाद एक्स है और इसके बाद वाई है। तो जो मेल होगा उसमें ये दोनों होगा, एक्स वाई दोनों होगा, हमने यहां लिख रखा। जो फीमेल होगी उसमें एक्स एक्स ही होगा। और एक चीज और दिख रहा, अब आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन में सेक्स क्रोमोजोम में बड़ा कौन होता है, लंबाई देख के बता देंगे, एक्स क्रोमोजोम होता है। छोटा कौन होता है, वाई क्रोमोजोम होता है, आपको दिख रहा है साफ साफ। अब आगे बढ़ते हैं, सभी को स्क्रीन पूरी दिख रही है बेटा, सभी को स्क्रीन पूरी दिख रही है, ठीक। आगे देखते हैं, जो 44 थे बेटा ह्यूमन के संबंध में, वो ऑटोसोमल थे। क्यों? इस पे इंसान के सोमैटिक गुण से संबंधित जीन पाया जाता है। ऐसे क्रोमोसोम जिन पर ऐसे क्रोमोसोम जिन पर सोमैटिक कैरेक्टर यानी नॉन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर से संबंधित जिन पाए जाते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं, और जिन पे सेक्स से रिलेटेड जिन पाए जाते हैं उनको हम सेक्स लिंक कहते हैं। और सेक्स लिंक कौन है, एक्स एंड वाई। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। पहला, ट्रेट कैन बी आइदर ऑटोसोमल, ऑटोसोमल ऑटोसोमल कौन हो गए, ट्रेट्स यानी जीन्स, ट्रेट माने लक्षण, उसको कंट्रोल करने वाला जीन्स आर लोकेटेड ऑन द नॉन सेक्स क्रोमोजोम। नॉन सेक्स क्रोमोजोम को ही ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं। दूसरे नंबर पे, सेक्स लिंक ट्रेट्स जो किससे कंट्रोल होगा, जीन से, आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। वे गुण या उन गुणों से संबंधित वे जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे उनको हम सेक्स लिंक्ड कहेंगे। अब सेक्स क्रोमोसोम कौन है, एक्स एंड वाई दिख रहा है। एक्स एक्स जीनोटाइप फॉर फीमेल्स, ये बिल्कुल याद रखना है। एक्स वाई जीनोटाइप किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है। और ये जीनोटाइप जो ही जान गए तो आपको एक बात समझ में आ गई कि फीमेल में डबल यानी पेयर में जीन होंगे सेक्स से संबंधित, लेकिन मेल में पेयर में नहीं होते, इसलिए एक ही होता है दोनों में से, इसलिए इस कंडीशन को हेमीजाइगस कहते हैं। एक ही होगा, आधा दो में एक आधा, तो बोलते हैं हेमीजाइगस। अब एक्स क्रोमोजोम पे कोई रिसेसिव एलील होगा तो उसका एक्सप्रेशन मेल में जरूर होगा, क्योंकि उससे संबंधित डोमिनेंट दूसरे एक्स पे होगा और दूसरा एक्स यहाँ है ही नहीं। इसी तरह से वाई क्रोमोजोम पे भी जितने भी जीन पाए जाते हैं उनसे संबंधित जो गुण होगा वह अवश्य एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि वाई का यहाँ पे पेयर पाया ही नहीं जाता। अब एक बात, वाई के होने से कोई मेल होता है या एक्स के होने से, एक्स तो फीमेल में भी है और मेल में भी है, इसका मतलब है वाई ही वह क्रोमोसोम है
जो किसी ऑर्गेनिज्म में मेलनेस के लिए जिम्मेदार है, लड़का होने बनने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन समाज में कुरीति क्या है कि यदि बेटा पैदा नहीं होता तो लोग अपने जो पुरुष उसका होता है परिवार में, उसको जिम्मेदार न मान के औरत को ही परिवार में जिम्मेदार मानने की प्रथा रही। विज्ञान पढ़ने से पता चलता है यह बात टोटल गलत है। कोई पुरुष पैदा होगा या नहीं पैदा होगा यह माँ नहीं पिता पर निर्भर करता है, क्योंकि सिर्फ पिता में ही वाई क्रोमोजोम पाया जाता है और वाई क्रोमोजोम ही तय करता है कि कोई मेल होगा या नहीं। अब यहाँ पे क्रोमोजोम जो एक्स और वाई है उसका डायग्रामेटिक डिफरेंस दिखाएंगे। यह बहुत जरूरी है क्योंकि इसको देख के आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। आप शब्दों में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट पहला तो ये तय कर लीजिए, एक्स और वाई दोनों मेल में ही पाए जाएंगे। फीमेल में वाई एब्सेंट होता है, फीमेल में सिर्फ वाई के पेयर पाए जाते हैं। मैं क्लास में ठीक है। अब देखिए डायग्राम देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि वाई क्रोमोसोम लेंथ में एक्स से छोटा है। सुन लीजिए, जो क्रोमोसोम फीमेल होने के लिए जिम्मेदार है एक्स एक्स, वह मेल होने के लिए जिम्मेदार क्रोमोसोम वाई से लेंथ में छोटा है। सामने आपके ये एक पोर्शन है रेड में, एक्स क्रोमोजोम का एक पोर्शन रेड में दिखाया गया है। इसको बोलते हैं हम लोग सूडो ऑटोसोमल रीजन, और इतना ही पोर्शन वाई में भी है, यानी इस पोर्शन के जो जीन है वो लगभग समान होते हैं। एक्स और वाई क्रोमोजोम तो डिफरेंट है, लेकिन एक्स क्रोमोजोम का कुछ पार्ट वाई क्रोमोजोम के कुछ पार्ट के समान होता है, और उस समान भाग को हम लोग सूडो ऑटोसोमल रीजन कहते हैं, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोजोम पे है तो ये सूडो ऑटोसोमल। ऐसा गुण तो ऑटोसोम में होता है कि जो मेल और फीमेल के ऑटोसोम्स हैं वो सिमिलर हैं, उनमें पेयरिंग संभव है, लेकिन एक्स और वाई क्रोमोजोम पे पाए जाने वाले कुछ जीन भी समान हैं, और इस तरह से इनको हम सूडो ऑटोसोमल रीजन फर्स्ट कहते हैं। उसके बाद एक भाग आता है जो बहुत बड़ा है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रीजन ऑफ एक्स लिंक्ड जीन, यानी इस बड़े भाग पे जितने भी जीन पाए जाएंगे वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं पाए जाते, और ये जीन कभी भी अलग नहीं होंगे, एक ही साथ आएंगे और जाएंगे। जब एक साथ आएंगे जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे लिंक। ठीक ऐसे ही एक बड़े भाग पर वाई क्रोमोसोम का जो जीन होता है वह भी ऑटोसोमल जीन से डिफरेंस होता है, और इसको डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई बोलते हैं या वाई लिंक्ड जीन बोलते हैं। तीसरा जिसको सूडो ऑटोसोमल रीजन टू बोल रहे हैं, ऊपर रीजन वन था, यानी नीचे का हरे रंग का आपको पार्ट दिख रहा है, और यह पार्ट भी एक्स और वाई का पेयर्ड सिमिलर होता है, इसलिए इसको हम लोग सूडो ऑटोसोमल यानी हमने जो क्रोमोसोम था उसके तीन भाग बनाए। बड़ा भाग वो है जो एक्स का है, वाई से मैच नहीं करता, और उसको उस पे एक्स लिंक्ड जीन पाए जाते हैं। ऐसे वाई पे भी बड़ा भाग है जो एक्स से मैच नहीं करता, उसको वाई लिंक्ड जीन वाला भाग बोलते हैं। और इसके साथ साथ दो भाग ऐसे होते हैं छोटे छोटे से जो एक्स और वाई के सिमिलर होते हैं और दोनों क्रोमोसोम के टिप पे होते हैं, ऊपर और नीचे होते हैं। ऊपर वाले को हम लोग सूडो ऑटोसोमल रीजन फर्स्ट, नीचे वाले को सूडो ऑटोसोमल रीजन सेकेंड कहते हैं। आगे देखिए स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा आपको क्या लिखा है यहाँ पे, सेक्स लिंक्ड जीन्स। सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम्स कौन है, एक्स एंड वाई।
यही तो दो है बेटा। अब इन पे जो भी जीन पाए जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के जो जीन पाए जाते हैं, जो डिफरेंशियल रीजन पे पाए जाते हैं, ध्यान रखना है किस रीजन पे, डिफरेंशियल रीजन पे जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड जीन्स। ठीक है, अब आगे देखिए। इसमें यहां लिखा हुआ है द वाई क्रोमोसोम इज मच स्मॉलर देन एक्स क्रोमोसोम। ये बात डायग्राम से ही दिख रही है आपके सामने, ज्यादा मेहनत नहीं करना, साफ साफ दिख रहा है। एंड अपीयर्स टू कंटेन फ्यूअर जीन्स, यानी अब आपसे अगला सवाल किया जाएगा, छोटा क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम में कौन है, वाई क्रोमोजोम है, या सेक्स क्रोमोजोम का छोटा क्रोमोजोम मेल में होता है कि फीमेल में, तो मेल में। वाई क्रोमोजोम का संबंध मेल से है कि फीमेल से, मेल से। फीमेल में कौन से सेक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं, एक्स एक्स। मेल में कौन से सेक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं, एक्स वाई। एक्स वाई में छोटा कौन होता है, वाई होता है। अब छोटा होता है तो स्वाभाविक है उसमें जीन भी कम होंगे। अब एग्जाम में आएगा कि सेक्स सेक्स जीन, सेक्स से रिलेटेड जीन किस क्रोमोजोम पे ज्यादा होते हैं, आंसर एक्स क्रोमोजोम। किस क्रोमोजोम पे कम होते हैं, आंसर वाई क्रोमोजोम पे। ठीक है, अब यहां पर आपको क्रोमोजोम भी बना हुआ है और संबंधित उस क्रोमोजोम पे पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से संबंधित जिन भी लोकेट कराया जा रहा है। यानी डायग्राम देख के आपको याद होना चाहिए कि इस कैरेक्टर से संबंधित जिन इस क्रोमोसोम पे एक्स पे और इस कैरेक्टर से संबंधित जिन वाई पे। ठीक है, अब देखिए एक्स क्रोमोसोम पे एक है डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, DMD, इसको शॉर्ट बोलते हैं DMD, इससे संबंधित जीन होता है। फिर मिलेनोमा, मिलेनोमा एक डिसऑर्डर है, इससे भी संबंधित जीन होता है। एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर इस पे पाया जाता है। एक्स लिंक्ड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SCID। कलर ब्लाइंडनेस से भी संबंधित जीन एक्स पे पाया जाता है। हीमोफिलिया से भी संबंधित जीन एक्स पे पाया। वाई पे फिर क्या है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, फैक्टर माने जीन, इसको बोलते हैं TTF। इसी फैक्टर की उपस्थिति के चलते बेटा शरीर में टेस्टिस बनेगी, और टेस्टिस बनेगी तो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनेगा तो इंसान क्या होगा, मेल होगा। क्यों, फीमेल में एक बनना था, मेल में मेल गैमेट जिसका नाम स्पर्म, स्पर्म जहां बनता है उसका नाम टेस्टिस। साफ से यानी वाई क्रोमोजोम मेलनेस को इसलिए डिफाइन करता है क्योंकि उस पर एक विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है जिसका नाम TDF है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है। आप लोगों को अब तक जितनी बात हम पढ़ाए समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में आके जल्दी से लिखिए हाँ, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। कमेंट बॉक्स में आके बेटा लिखिए जल्दी से कि आपको समझ में आ रहा है, आप सोए नहीं अभी जगे हैं। जल्दी से आके लिखो बेटा, आंसर दीजिए। विपिन, ज्योति, गौतम और जूली, इन्हीं लोगों को समझ में आ रहा है, शेष जो और लोग ढेर सारे हैं दिख रहे हैं हमको, यहाँ से दिख तो रहे हैं लेकिन उन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं। कुछ लोगों के नाम लेते हैं हम, सरिता, सीलम, प्रियंका, इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, सरिता ने तो लिख दिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम और ज्ञान आपका हम पढ़ाते हैं, बड़े बड़े लेटर में लिखा हुआ है कि आपको आसानी समझ में आए। यहाँ एक हल्का डायग्राम आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है फीमेल, यहाँ देखिए एक्स और एक्स है, और
एक्स सेक्स सिमिलर है तो होमोलोगस हुआ, यानी फीमेल का सेक्स क्रोमोजोम सदैव होमोलोगस होगा, एक्स एक्स ही होगा। यहाँ लिखा है मेल, बहुत छोटे में लिखा, हम बोल दे रहे हैं, आप साउंड से काम चला लीजिएगा। यहाँ एक एक्स है और एक वाई है, और ये हेमीजाइगस कहलाता है। हम इसको बड़े शब्द में लिख रहे हैं क्योंकि हेमीजाइगस, हेमीजाइगस कंडीशन किसमें पाई जाती है? मेल में। सेक्स क्रोमोसोम के मामले में हेमीजाइगस कौन होगा? मेल होगा, क्योंकि वहां एक ही एक्स है और एक ही वाई है। अब अभी आपको सेक्स लिंक्ड जीन का जो आइडिया दिया जा रहा था पीछे, उसको आगे हम बढ़ा रहे हैं। अभी आपको क्रोमोसोम के लोकेशन बताया गया और कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। पहला, जीन्स अनरिलेटेड टू जेंडर ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये जो जीन्स हैं जो अनरिलेटेड हैं मेल और फीमेल के लिए, वो कहाँ पाए जाएंगे? एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे। फीमेल्स हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स, दो, सो दे कैन बी हेटरोजाइगस और होमोजाइगस। दो क्रोमोसोम है तो क्या कंडीशन होगी? कैपिटल टी कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, तो ये हेटरोजाइगस भी हो सकता है और होमोजाइगस, दोनों सिचुएशन। मेल्स हैव ओनली वन कॉपी ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन, क्यों? इसके पास एक ही एक्स है और एक ही वाई है। दस मेल इज रिफर्ड टू एज, जब एक कॉपी होती है बेटा दो के बजाय, तो बोलते हैं हेमीजाइगस। क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम पे जो भी जीन होंगे एक सेट होंगे मेल में, एक्स क्रोमोसोम पे भी मेल में जितने भी जीन होंगे वो एक ही सेट होंगे, इसलिए इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? हेमीजाइगस। ठीक, समझ में आ रहा है? अब जो एक्स लिंक्ड जीन होंगे उनकी दो सिचुएशन, वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव हो सकते हैं। अभी यहां रिसेसिव के बारे में बताया गया है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस रिफर टू दो सिचुएशंस वेयर रिसेसिव एलील ऑन एक्स क्रोमोसोम कैन लीड टू ए ट्रेट और कंडीशन और डिसऑर्डर। अब ये जानिए, जब एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा तो यह फीमेल में कैरियर हो जाएगा, यानी दिखे एक्सप्रेस नहीं होगा, सिर्फ एक्सप्रेस तब होगा जब यह किस कंडीशन में होगा? होमोजाइगस, होमोजाइगस में एक्सप्रेस करेगा। कैरियर कब होगा? जब वो हेटरोजाइगस कंडीशन, क्योंकि हेटरोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन यही एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस मेल में पढ़ना हो तो वह सारे मेल में ऑलवेज एक्सप्रेस, सदैव एक्सप्रेस करेगा। अब यहां पे एक पेडिग्री बनाई गई है, इसमें जो बेटा सर्कल होता है उसको हम लोग फीमेल बोलते हैं और जो स्क्वायर होता है उसको हम लोग मेल बोलते हैं, जो ब्लैक कलर में होता है उसको अफेक्टेड बोलते हैं, जो व्हाइट कलर का है स्क्वायर वो अनअफेक्टेड है। अब देखिए, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये तीन फीमेल हैं, इसमें से एक फीमेल का एक नॉर्मल मेल से शादी हुई, ये स्क्वायर है तो मेल हो गया और बिल्कुल व्हाइट है तो अनअफेक्टेड है, इससे शादी। ये जो फीमेल है ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रही, ये कैरियर का काम कर रही है, यानी यह किस कंडीशन में है? हेटरोजाइगस। और जब इसकी शादी, यानी ये देखने में नॉर्मल होगी, जब इसकी शादी एक नॉर्मल पुरुष से कर दी जाती है तो इसके एक दो तीन संतान हुए, एक तो मेल होगा जो अफेक्टेड होगा, बल्कि यूं कहें जितने भी मेल होंगे सब अफेक्टेड होंगे, दो तरह की फीमेल होंगी, 50% फीमेल में इसका एक्सप्रेशन होगा, सॉरी एक्सप्रेशन नहीं, कैरियर का काम करेगी, और 50% नॉर्मल होगा।
अब इस नॉर्मल फीमेल का नॉर्मल मेल से शादी करें तो सारी पीढ़ियां में नॉर्मल होंगी। इस अफेक्टेड मेल का नॉर्मल फीमेल से शादी करें तो इसकी सारी की सारी पुत्रियां कैसी होंगी बेटा? कैरियर का काम करेंगी और इसका मेल नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल मेल से नॉर्मल फीमेल की शादी होगी, सारी पीढ़ी नॉर्मल हो गई। तो इस तरह से पीढ़ी का रिप्रेजेंटेशन डायग्राम के द्वारा करें तो उसको हम लोग पेडिग्री कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेडिग्री। अब अभी आप यहाँ पे जो पढ़ रहे थे एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, उसी का अगला पार्ट है एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के और लक्षण क्या पता चल रहे हैं, वो भी यहाँ दिखाए जा रहे हैं। पहला याद रखने की चीजें हैं। सर ये समझ नहीं आया, नहीं आएगा। पॉइंट्स देखिए, डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसके लिए थोड़ा पढ़ाई करना पड़ता है। ये 5 मिनट के अंदर समझ में आने वाली चीज नहीं है। आपके पास बुक होगी तो बुक में सिंबल आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। सिंबल जब आपको समझ में याद हो जाएगा कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चार्ट आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। यहां देखिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस होगा तो और क्या लक्षण आपको दिखेंगे? पहला, मेल्स आर अफेक्टेड मोर देन फीमेल्स। पहली शर्त बोल रहा है यदि एक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाने वाला कोई रिसेसिव कैरेक्टर है तो वह पुरुषों में ज्यादा प्रदर्शित होगा महिलाओं की तुलना में। कारण, महिला में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है तो जब जब वह हेटरोजाइगस होगा तो वह एक्सप्रेस रिसेसिव नहीं करेगा। लेकिन मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो वो चाहे डोमिनेंट फॉर्म में हो चाहे रिसेसिव, एक्सप्रेशन होना ही है। रिसेसिव होगा तो भी होगा। इसीलिए कहा गया कि मेल में प्रभाव फीमेल की तुलना में ज्यादा दिखेगा। प्रियंका, सर अगर अफेक्टेड मेल का क्रॉस कैरियर फीमेल से कराया जाए तो क्या होगा? आप सवाल पूछ रही हो, खुद आंसर दे के बताओ। पढ़ा तो इसीलिए रहे ना कि आप आंसर देंगे। आप खुद आंसर देकर बताइए, यहां लिख के बताइए। आंसर तो मैं बता दूं तुरंत, आपके हिसाब से क्या होगा? प्रियंका आंसर दीजिएगा। वैसे आपको यहां आंसर दिख रहा है, ये देखिए ये नॉर्मल मेल है, आपका अफेक्टेड मेल से करना है। ये देखिए अफेक्टेड मेल है, नॉर्मल फीमेल है। यहाँ कर्सर देखिए, यहाँ हम जो टिक लगा रहे हैं यही तो है, यही रिजल्ट है। इतना, ये जो बीच में लाइन खींची जाती है इसका मतलब मेटिंग होता है। मेटिंग मतलब शादी, पुरुष में मेटिंग को हम शादी बोलते हैं, ठीक। दूसरा है अफेक्टेड मेल्स विल ट्रांसमिट द एलील टू ऑल डॉटर्स। क्यों? ये एक्स क्रोमोजोम पे है और मेल अपनी पुत्री को एक्स क्रोमोजोम देगा लेकिन पुत्र को नहीं देगा, पुत्र को वाई देगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पुत्र बने हैं ये नॉर्मल है, जबकि जो शादी हुई थी वो अफेक्टेड पुरुष से हुई थी। पुत्र को ये वाई क्रोमोसोम देगा और अफेक्टेड वाला जीन कहाँ है? एक्स पे है। एक्स किसको देगा? फीमेल पे। तो देखिए इन दोनों की शादी से एक और दो, तीन फीमेल बनी है, दो फीमेल बनी है और दोनों की दोनों क्या है? कैरियर है। फीमेल कैरियर क्यों है, प्रभाव क्यों नहीं दिखा रही है? क्योंकि वहां दूसरा भी एक्स होगा और यह कैरेक्टर कैसा है? रिसेसिव है। तो रिसेसिव तो तभी एक्सप्रेस करेगा जब होमोजाइगस हो, यदि दूसरा डोमिनेंट एलील है तो एक्सप्रेस करेगा ही नहीं। आपने पूछा था अफेक्टेड मेल का क्रॉस कैरियर फीमेल से, ये देखिए यहां पे देखिए आप नजर दौड़ाए, आपके सारे सवालों के यहाँ जवाब है। ये है नॉर्मल मेल, अच्छा आपका है अफेक्टेड मेल। आपको अफेक्टेड मेल का क्रॉस किससे करना का चाह रही है? अफेक्टेड मेल का क्रॉस कैरियर फीमेल से। को भी किया जा सकता है, हम आपको करके दिखा देंगे। ये देखिए एक हम पेज लेके दिखाते हैं नया, वैसे आपको खुद आंसर देना चाहिए।
कैरियर फीमेल होगी तो क्या होगा बेटा, एक्सप्रेस नहीं करेगी। हम लिख रहे हैं एक्स एक्स सी, जब हम जिसपे हम कुछ नहीं लिखते वो डोमिनेंट है, जिसपे सी लिखे हैं वो रिसेसिव है, और ये है कैरियर कैरियर फीमेल। और कौन था, अफेक्टेड मेल था, अफेक्टेड मेल होगा रिसेसिव को लेके, तो एक्स सी होगा और वाई ये कैसा है, अफेक्टेड मेल। अब इससे गैमिट दो तरह के बनेंगे, एक गैमिट में जाएगा एक्स सी, एक में जाएगा वाई, इससे भी गैमिट दो तरह के बनेंगे एक्स और एक्स सी। अब इसका इससे क्रॉस हो सकता है और इसी का इससे क्रॉस होगा, जब इनका इससे होगा तो एक्स एक्स सी होगा, इसका इससे हो गया तो एक्स वाई हो गया। ठीक वैसे ही एक्स सी का हो सकता है क्रॉस, या एक्स सी और वाई का हो सकता है। जब एक्स सी का होगा तो एक्स सी बन गए, और ये एक्स सी सॉरी एक्स सी वाई बन गया। अब आप आंसर देखिए, ये नॉर्मल हुआ मेल हुआ, वाई है तो मेल और एक्स नॉर्मल है तो नॉर्मल मेल, ये कैसा होगा कैरियर, और एक्स एक्स है तो क्या बन गई फीमेल, ये कैसा होगा दोनों कैरियर हैं तो ये कैसे होंगे अफेक्टेड, दोनों में एक्स रिसेसिव एलील होमोजाइगस होगा तो अफेक्टेड क्या हो गई फीमेल, और ये क्या है एक्स सी वाई, वाई है तो ये मेल हो गया और एक्स सी है तो अफेक्टेड, यानी 50% मेल अफेक्टेड होंगे, 50% फीमेल अफेक्टेड होगी, लेकिन उसमें से जो 50% अफेक्टेड नहीं होगी वो कैरियर होगी। आपके सामने ये आंसर था। ऐसे ही कुछ भी आपसे पूछा जाए और यदि वो एक्स लिंक रिसेसिव है, ऐसे ही आंसर निकलेगा जैसे मैंने निकाल के दिखाया। ठीक प्रियंका, आंसर तो समझ में आया आप? प्रियंका आप ही से पूछ रहे हैं, समझ में आया? ठीक, अब आगे पढ़ते थोड़ा और फीचर्स के बारे में, जो एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है इसके बारे में आपको हर समय हर बात याद हो जानी चाहिए, क्योंकि इसी से संबंधित हम बता दें, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और जो हीमोफीलिया है जिसको हम लोग अभी आपको बताए थे, इसका भी इनहेरिटेंस एक्स लिंक रिसेसिव है, ये दोनों बातें आपको आनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस का भी एग्जाम्पल इसी साल होना है, और ये भी हम किसी एक एग्जाम्पल को देख के नहीं समझना चाहते, हमको तो बात समझ में आ जाए उसके बाद चाहे जो पूछा जाए हम आंसर निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो हमको किसी एक एग्जाम्पल लेकर जीना मरना नहीं है, हम हर एग्जाम्पल को कॉमन रूप में पढ़ लेते हैं। जब जब एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस होगा, जिसके दो उदाहरण हमने लिख दिए, एक कलर ब्लाइंडनेस दूसरा हीमोफीलिया है, उदाहरण जान गए पहले से देखे थे, तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, नेबर पास फ्रॉम फादर टू सन। अभी आपको हमने पीछे जो डायग्राम बनाया था वह बाप से बेटे को नहीं आने वाला, क्यों, जवाब सुन, क्योंकि सन को सन बनाने के लिए एक्स वाई चाहिए, और एक्स कौन देगा, मदर देगी, बेटे को एक्स क्रोमोसोम कौन देता है, माँ देती है, बेटे को वाई क्रोमोसोम कौन देता है, बाप देता है। तभी तो बोला मैंने कि बेटा बनाने के लिए बाप जिम्मेदार होगा, माँ जिम्मेदार नहीं होगी, समाज में यह कुरीति है कि औरत को जिम्मेदार माना जाता, आप मत मानिएगा आज के बाद से। ठीक, ये सेंटेंस कैसे समझ में आया, कभी भी बाप से बेटे को एक्स क्रोमोसोम का ट्रांसफर नहीं होता, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं होगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं। जो भी सन को एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, चाहे डोमिनेंट से संबंधित हो चाहे रिसेसिव से हो, तो माता जी से मिलेगा। दूसरा, मेल आर मच मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बिकॉज, ये बात पहले भी आई थी कि ज्यादा प्रभाव है, क्यों, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो चाहे वो डोमिनेंट में हो चाहे रिसेसिव, वो अफेक्ट दिखाएगा, एक्सप्रेशन करेगा। फीमेल में क्यों कम है, क्योंकि वहां दो एक्स होंगे, तो रिसेसिव वाले डोमिनेंट के सामने में छुप जाएंगे, एक्सप्रेशन नहीं करेंगे, तो वहां प्रभाव नहीं दिखेगा।
ओनली बिकॉज दे ओनली नीड वन कॉपी ऑफ म्यूटेंट एलील टू एक्सप्रेस द फिनोटाइप। वहां हेमीजाइगस कंडीशन है, क्योंकि वहां मेल में कैसी कंडीशन है, हेमीजाइगस, इसलिए ऐसा है। तीसरा पॉइंट, अफेक्टेड मेल्स गेट डिजीज फ्रॉम देयर मदर। हम अभी सिखाए हैं एक्स क्रोमोजोम किससे मिलेगा, मम्मी से, और उसके चलते यदि एक्स क्रोमोजोम के चलते कोई रोग होता है तो जिम्मेदार कौन, माँ। पुरुष होने के लिए जिम्मेदारी बाप की, लेकिन एक्स लिंग से संबंधित डिजीज बेटे में पहुंचाने की जिम्मेदारी माँ की। आपको बताया ना, कलर ब्लाइंडनेस कोई लड़का होता है तो बाप की वजह से नहीं होता, माँ की वजह से, उसकी माँ कैरियर होगी या उसकी माँ अफेक्टेड होगी। हीमोफिलिया किसी को होगा तो माँ की वजह से होगा, बाप की वजह से नहीं होता। यानी दोनों को कुछ ना कुछ हिस्सा मिला बंटवारे में, लड़का बनाने की जिम्मेदारी पिता को मिली। लेकिन यदि एक्स क्रोमोजोम से संबंधित कोई डिसऑर्डर है तो उस डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार कौन, माताजी। तीसरा, सन ऑफ हेट्रोजाइगस फीमेल, यदि फीमेल हेट्रोजाइगस है तो चांस क्या है, 50% चांस म्यूटेंट एलील यानी अफेक्ट होने का चांस है मेल को, क्योंकि उसका एक क्रोमोजोम अच्छा वाला होगा, अफेक्ट नहीं होगा, दूसरा अफेक्टेड होगा। तो हम मान के चलते हैं प्रोबेबिलिटी में कि आधा आधे मेल में जाएगा, आधा आधे मेल में जाएगा, तो आधा प्रभावित आधा अप्रभावित। अंतिम पॉइंट, दीज डिसऑर्डर्स आर टिपिकली पास फ्रॉम एन अफेक्टेड ग्रैंडफादर टू 50% ऑफ हिज ग्रैंडसन। और इस क्रॉस को जो फादर से ग्रैंडसन को जाता है, किसी दिन किसी ने पूछा भी था, इसी ट्रांसफर को हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कौन शो करता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शो करता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट ही शो करते हैं। उदाहरण के तौर पे कलर ब्लाइंडनेस शो करेगा, हीमोफिलिया शो करेगा। आप लोग हमारी बात समझ पा रहे हैं बेटा, आप लोग हमारी बात समझ पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आके समझने की जिम्मेदारी निभाइए, बताते रहिए। देखिए और ज्ञान बढ़ाता जा रहा हूं मैं, क्योंकि इसी से संबंधित बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है, थोड़ा और ज्ञान बढ़ाइए। एक्स लिंक्ड रिसेसिव से हेट्रोजाइगस फीमेल आर यूजुअली अनअफेक्टेड, क्यों भाई, क्योंकि उसका डोमिनेंट रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं करने देगा, या बात रिसेसिव की हो रही है। और यदि होमोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस होगा, तो एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, उसमें एक्सप्रेशन होगा, बट मे एक्सप्रेस द कंडीशन विथ वेरिएबल सेवेरिटी एज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ एक्स इनएक्टिवेशन। लेकिन कह रहा है कि कुछ एबनॉर्मेलिटी या वेरिएबल्स दिख सकते हैं, क्रोमोसोम के पैटर्न पे निर्भर करेगा, ठीक। दूसरा, म्यूटेंट एलील मे बी ट्रांसमिटेड, म्यूटेंट एलील वो एलील होगा जो बिगड़ने के बाद होगा, उत्परिवर्तन से बनेगा, यानी सामान्य से भिन्न होगा, असामान्य होगा, जिसके कारण से डिसऑर्डर होगा। तो म्यूटेंट एलील मे बी ट्रांसमिटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ कैरियर फीमेल, मां से। इफ सो द इफेक्टेड मेल्स इन ए किंडर्ड आर रिलेटेड थ्रू फीमेल्स, यानी मेल को जो कैरेक्टर पहुंचेगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वो किससे पहुंचेगा, फीमेल यानी मदर से। वह मदर कैरियर भी हो सकती है, वह मदर अफेक्टेड भी हो सकती है। ए सिग्निफिकेंस प्रोपोर्शन ऑफ आइसोलेटेड केसेस आर ड्यू टू न्यू म्यूटेशन, एक विशेष प्रकार का जो आइसोलेट केस दिखता है उसका कारण नया म्यूटेशन है, यानी जो डिसऑर्डर्स हैं ये सामान्य नहीं है, ये सामान्य जीन में अचानक परिवर्तन होने से बने हैं, जिसको हम लोग उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। अंतिम, मेनी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स आर वेल नोन इंक्लूडिंग, देखिए ना अब एग्जांपल बता रहा है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको डीएमडी भी हम कहते हैं। ये तीनों कैरेक्टर
कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हैं जो मेल में कैरियर फीमेल के द्वारा या फिर अफेक्टेड फीमेल के द्वारा ही पहुंचाए जाएंगे। इसमें फादर का कोई रोल नहीं होगा। उन्हीं बातों को दूसरे दूसरे ढंग से लिखा गया है, समझ में आ रहा है। इनमें कोई नई बात नहीं लिखी गई है स्क्रीन पे, और ये पैटर्न एक्स लिंक्ड रिसेसिव का दिखाया गया है। इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, यदि ये समझ में आ जाए आप लोगों को तो बहुत आसान हो जाएगा, आप भी खुद बना के समझ सकेंगे। पहली बात, ये जो कुछ बना है बेटा, इसको हम बोलते हैं पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर इन जनरेशंस। ग्राफ बना के हम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करें पीढ़ियों का, तो उसको हम पेडिग्री बोलते हैं। यहाँ पे ये पेरेंट हैं, उनके बाद की अगली पीढ़ी है, ये अगली। गोला जहां भी बना होगा, सर्कल बेटा, तो यह फीमेल के लिए होता है, और जहां स्क्वायर बना होता है यह मेल के लिए होता है। यदि स्क्वायर बना है लेकिन अंदर से डार्क नहीं है तो वह अनअफेक्टेड है, डार्क है तो अफेक्टेड है। इसी तरह सर्कल बना है और अंदर से डार्क नहीं है तो वह अनअफेक्टेड है, और डार्क हो जाए तो अफेक्टेड है। यहाँ क्या दिखाया गया है, अफेक्टेड मेल है और नॉर्मल फीमेल, और यह अफेक्टेड मेल कैसा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यानी इसके पास क्या है, एक्स सी है और वाई है। इसके पास लिखें तो क्या है, नॉर्मल है, तो यह एक्स और एक्स सी हो सकता है कैरियर के तौर पे, यानी इसमें कैरेक्टर दिख नहीं रहा लेकिन एक्स सी है। दूसरी स्थिति क्या होगी, एक्स और एक्स है, कोई भी क्रोमोजोम इसका अफेक्टेड नहीं। अभी जो पेडिग्री दिख रही है इससे पता चलता है कि यह बिल्कुल नॉर्मल है फीमेल, जिसका कोई भी क्रोमोसोम अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि किसी भी फीमेल में कैरियर का गुण भी दिखाई नहीं दे रहा। डायग्राम देख के इनके हमने जीनोटाइप लिख दिए। अब इनसे संतान पैदा हुआ, एक दो और ये तीन। ये फीमेल है, नॉर्मल फीमेल, इसका मतलब कैसे होगा, इसका जीनोटाइप एक्स एक्स सी, यानी ये कैरियर हो गई। ये मेल है, मेल है तो इसके पास वाई फादर से आया, और इसका एक्स ये नॉर्मल मेल हो गया। ये फीमेल है बेटा, तो फीमेल कैसे होगी, इसके पास तो एक्स था और इनके पास एक्स सी था, इनके हमने जीनोटाइप लिख दिया। अब ये अगली पीढ़ी में नॉर्मल मेल से शादी कर, तो नॉर्मल मेल होगा तो क्या होगा, एक्स वाई होगा। अब एक्स सी एक्स वाई की शादी हुई तो यहाँ पे एक्स जो भी आएगा, चाहे एक्स एक्स होगा या फिर एक्स एक्स सी होगा, और दोनों परिस्थितियों में नॉर्मल होगा। लेकिन जो मेल बन रहा है इससे एक्स सी मिल सकता है, और इससे जो मेल है इससे वाई मिलेगा। एक्स सी वाई हो गया तो ये अफेक्टेड हो गया, ये अफेक्टेड मेल हो गया। आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आप किसी भी पेडिग्री डायग्राम को खुद एनालाइज कर सकते हैं। आप इस बात को बस ध्यान रखिए कि आपको ये तय करना है कि उसका कैरेक्टर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, बस यही बात है। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, बात वही है, अब डिसऑर्डर के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। हीमोफीलिया, इनएबिलिटी ऑफ ब्लड टू क्लॉट प्रॉपरली, ब्लड को ठीक से प्रॉपरली क्लॉट न देने होने वाली सिचुएशन को हीमोफीलिया कहते हैं। इसका और डिस्क्रिप्शन हम आगे बता देंगे। दूसरा डिजीज है डीएमडी, विच काजेज प्रोग्रेसिव एंड डिजनरेटिव मसल्स वीकनेस। ये जो डिजीज है बेटा, इसमें लड़का यंग तो हो जाता है, उसके बाद उसके हाथ पैर की मसल सिकुड़ने लगती है, और सिकुड़ने के बाद वो विकलांगता को प्राप्त कर जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया के बारे में बताया जा रहा है थोड़ा।
यहाँ दे रहा है कि डिजीज दैट अफेक्ट द सिंगल प्रोटीन इन ए कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व, कैस्केड का मतलब समझिए चेन, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। हम आपको साफ साफ बताते हैं कि डिजीज होती क्यों है। ये हीमोफिलिया आगे देख के हम बता देते हैं आपको, हीमोफिलिया ए के बारे में बताते हैं। हीमोफिलिया ए को क्लासिकल हीमोफिलिया भी कहते हैं। क्लासिकल हीमोफिलिया इसी का नाम है। क्लासिकल हीमोफिलिया का काज है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। कौन सा फैक्टर है बेटा ये? एट्थ। ब्लड क्लॉट करने के लिए कई फैक्टर की जरूरत होती है। अभी कनेक्शन चला गया है, आप लोग 5 मिनट वेट करिएगा, 5 मिनट में यदि कनेक्शन आ जाता है तो ठीक, नहीं तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा।